अभी बने हुए हम राजन फिलिंग सेंटर पे, और आपको बता दें हम यहाँ पर जो ग्राहक हैं उनसे जानते हैं किस तरह से उनको यहाँ पर बिना मास्क के तेल मिलता है या नहीं मिलता। जी ब्रजेश कुमार, मतलब कब से यहाँ पर तेल डलवा रहे हैं आप? हम काफी दिन से। तो बिना मास्क के तेल मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं? मना कर देते हैं, मास्क लगाओ हेलमेट से तभी मिलेगा। अच्छा, और यहाँ पर कब से आ रहे हैं आप तेल डलवाने? हम एक साल हो चुकी है हमें भी लगभग। तेल कैसा मिलता है? बढ़िया मिलता है, कोई नहीं, पूरा माल मिलता है। सेल्समैन का व्यवहार कैसा होता है? बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर आपने देखा ग्राहक संतुष्ट हैं, और जो सेल्समैन ने देखे मास्क, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सेल्समैन ने भी मास्क लगा रखा है। ग्राहक को बिना मास्क के किसी को यहाँ पर तेल नहीं दिया जा रहा, डीएम सर के आदेशों का सख्ती से पालन पंप पर हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई एस एन 7 न्यूज़, मैं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस जो कोरोना की तीसरी लहर के चलते डीएम सर ने सभी जगह आदेश दिए हैं कि पूरी तरह से जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए, और पेट्रोल पंप पर क्योंकि भीड़ वाला इलाका है, ज़्यादा लोग आते हैं, तो वहाँ पर एहतियात ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। इसी के चलते आज हम पहुँचे हैं जाननी में इंडियन ऑयल को पेट्रोल पंप है, इसके जो डीलर हैं रविंद्र गोयल जी हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ मैनेजर बैठे हैं। हम इनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पर इनके जो सेल्समैन हैं वहाँ कोरोना की गाइडलाइन का किस तरह से पालन कर रहे हैं, कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही, और बिना मास्क के लोगों को तेल मिल रहा है नहीं मिल रहा। नमस्कार सर जी, मेरा नाम सरफराज अहमद है। पंप का नाम राजन फिलिंग सेंटर है। इनका मालिकों का और भी हैं शायद, हाँ हो सकता है एक हो या दो, मैं यहीं पर ड्यूटी करता हूँ जी। तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर बिना मास्क के लोगों को तेल मिला नहीं? जी बगैर मास्क के हम किसी को भी तेल नहीं देते। हमने सामने जो है उधर रिंग बना रखे हैं गोल दायरे, फासले के हिसाब से तेल देते हैं। मास्क लगा हुआ हो, हेलमेट लगा हुआ हो, उसके बाद तेल डाला जाता है। कार हो तो फिर सीट बेल्ट वगैरह भी देखते हैं, और डीएम सर का पूरा आदेश माना जा रहा, पालन हो रहा। कोई भी लापरवाही तो नहीं बरती जा रही? नहीं जी, कोई लापरवाही नहीं, ये तो एक बीमारी है और इससे सबको बचना चाहिए। जितना सावधानी से हम काम करेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। सुबह ही पहले सैनिटाइज किया जाता है, और फिर दो तीन घंटे बाद फिर करते हैं सैनिटाइज। दिन में कई बार होता है सर, और बड़ी सावधानी से काम किया जा रहा है। नहीं, बगैर मास्क के हम किसी को तेल नहीं देते, उसको समझाते हैं कि इसमें आपकी भलाई और हमारी भलाई। तो यहाँ पर आपने देखा जो मैनेजर हैं पंप के, उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर बिना मास्क के किसी को तेल नहीं मिलता। और आपको बता दें यहाँ पर इन्होंने सुबह डेली दिन में एक दो बार ये सैनिटाइज करते हैं पूरे पंप को। किसी भी तरह से यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही, डीएम सर का आदेश का पालन सख्ती से किया जा रहा है। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, आई एस एन 7।